हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फनी चटे की वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। हो सकता है कि आपके घर में फर्नीचर का काम चल रहा हो सकता है कि आप फर्नीचर बनाने का प्लान कर रहे हो, या हो सकता है कि आप फर्नीचर बना चुके हों। लेकिन ये वीडियो कम्प्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज ऑटो हिंजेस के ऊपर, जो अक्सर डोर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आप मेरे हाथ में जो ये दो ऑटो हिंजेस देख रहे हो, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, दोनों अलग अलग वर्क करते हैं। लेकिन मैनुअल और सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस की बात करेंगे, ये दोनों कैसे वर्क करते हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट है फर्नीचर के अंदर ऐड करने के लिए। हमको ऑटो हिंजेस एक नॉर्मल वाला ऑटो हिंजेस यूज़ करना चाहिए या हमको एक सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस यूज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से हिंजेस के अंदर हमको देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ हमको इसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को भी मिलेंगे। नॉर्मली और सॉफ्ट क्लोज इनको रख दिया साइड में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ऑटो हिंजेस है, ये अक्सर डोर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आज के टाइम में ये ऑटो हिंजेस इतना पॉपुलर हो गया है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग वुड, जैसे कि पार्टिकल बोर्ड, MDF, इंजीनियरिंग वुड से रिलेटेड जो भी वुड था उसके अंदर इस हिंजेस को यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में इस हिंजेस को मेटल वार्डरोब, प्लाईवुड और आपका किसी भी हर डोर के अंदर इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आपने डिफरेंट टाइप के ऑटो हिंजेस होते हैं, कब्जे होते हैं, 4 इंच में, 6 इंच में, 8 इंच में लंबे वाले होते हैं, लोहे के, मेटल के होते हैं, SS के होते हैं। लेकिन अभी के टाइम में इस टाइप का ऑटो हिंजेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, हर कारपेंटर इसको यूज़ करता है। इसके हमारे को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि इसको एडजस्ट करना, सेटिंग करना, डोर की सेटिंग करना और इसको यूज़ करना बहुत ही इजीली है दूसरे हिंजेस के मुकाबले। अब बात करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा डोर के अंदर जब हम हिंजेस लगाते हैं, नॉर्मल वाला हिंजेस, तो आपको इस टाइप की आवाज़ सुनने को मिलती है। जब हम डोर बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो भी हमारा डोर एकदम से आवाज़ करता है, क्योंकि वो स्लो तो जाता नहीं है। जब हम उसको खोलने का प्रोसेसिंग तो दोनों का सेम है, 0 डिग्री सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस में और 0 डिग्री नॉर्मल वाले ऑटो हिंजेस में। जब हम डोर बंद करते हैं, वो चाहे आपका वार्डरोब का डोर हो, चाहे आपका मिनी वार्डरोब का हो, या चाहे किसी भी फर्नीचर का डोर हो, जहाँ पर डोर होता है वहाँ पर आपका हिंजेस तो लगा हुआ ही होता है। जब भी आप उसको बंद करते हैं एक आवाज़ आती है। अगर मान के चलो आप वार्डरोब को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर ये हिंजेस लगा हुआ है, अगर कोई सो रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप डोर बंद करते हो तो एकदम से आवाज़ आती है इस टाइप की, क्योंकि डोर जो आवाज़ करता है, काफ़ी आवाज़ करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये सॉफ्ट क्लोज डोर हिंजेस यूज़ करते हैं तो आपको इस टाइप की आवाज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो मैंने इसको खोला और इसको क्लोज करा, आपने देखा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, 0 नॉइज़ है और ये अपना आप ही एडजस्ट करता है, बहुत ही स्मूथ तरीके से एडजस्ट करता है, जिसके कारण हमारे फर्नीचर का लुक जो है, गेटअप जो है, वो काफ़ी बेटर लगता है। क्योंकि ये वाले ऑटो हिंजेस में, नॉर्मल वाले ऑटो हिंजेस में हमको बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का ले लो, कुछ टाइम बाद हमारा जो पल्ला होता है, अगर एक कारपेंटर प्रॉपर फिनिशिंग ना दे पाए तो जो वार्डरोब का जो डोर होता है, इस टाइप के वार्डरोब का जो डोर होगा, वो हो सकता है कि नीचे से थोड़ा सा बाहर आ जाए, हो सकता है ऊपर से थोड़ा सा बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि ये पकड़ नहीं करता है, ये पकड़ नहीं करता, पल्ले को खींच के नहीं रखता, जिसके कारण हमारे जो पल्ले का जो अलाइनमेंट रहता है वो थोड़ा सा टेपर में रहता है। अगर आपका एक प्रोफेशनल कारपेंटर है और आपने इपको हिटेक वगैरह यूज़ करा है तो ठीक है यार, कुछ हद तक सेटिंग प्रॉपर आ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना ये सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस यूज़ करते हैं तो इसमें आपको जो पल्ले की, जो डोर की जो सर्विस है, वो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। इस टाइप के डोर, वो किसी भी टाइप के डोर हो, कैबिनेट के हो, वार्डरोब को हो, कॉकरी यूनिट के हो, किसी भी टाइप के डोर, जहाँ पर ये सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो अलाइनमेंट है वो एकदम 0-0 होगा, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग से होगा, प्रॉपर सेटिंग से होगा। क्यों? क्योंकि ये पल्ला जो ऑटो हिंजेस है, ये पल्ले को ऑटोमेटिक एडजस्ट करके प्रॉपर सेटिंग में ले आता है। जब वो क्लोज हो जाता है तो प्रॉपर सेटिंग में ले आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा 0-0 सेटिंग में रहेगा, पूरा प्रॉपर रहेगा। और
जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी का ले रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप एक नॉर्मल कंपनी का हिंजेस यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण पल्ला कुछ टाइम तक तो आपका जो डोर है आधा खुला रहेगा आधा बंद रहेगा, फिर धीरे 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 वो हाफ बंद होने लगेगा। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, कोई ये कोई इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं, कोई इतना महान टॉपिक नहीं है, लेकिन आप हमेशा सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस यूज़ करें, इससे काफ़ी बेनिफिट है हमारे। एक तो डोर प्रॉपर बंद होगा, आपको एक आवाज़ वाली जो नॉइज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है इसके मुकाबले। मैं अक्सर अभी आप वैसे देखते ही होंगे मॉड्यूलर किचन के अंदर, मैंने तो मुझे तो लगता है 90% सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनसे सेटिंग प्रॉपर आ जाती है। तो मेरी राय तो आपसे यही है कि आप जब भी फर्नीचर के अंदर हिंजेस यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉफ्ट क्लोज 0 डिग्री हिंजेस यूज़ करें, जिससे आपके फर्नीचर का जो गेटअप है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको कोई मार्केट में फर्नीचर खरीद रहे हैं या आपका फर्नीचर बना हुआ है और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप मार्केट से जाके ये सॉफ्ट क्लोज ऑटो हिंजेस परचेस कर सकते हैं। 80 से 90 रुपये का पेयर आता है, और आपके अंदर जितने भी कब्जे लगे हैं आप या तो मैनुअली उसको यूज़ कर चेंज कर सकते हैं, या आप कारपेंटर को बुला के 200-300 रुपये लेगा वो चेंज करके चला जाएगा। 80 से 90 रुपये का पेयर आता है। एक वार्डरोब के 3 डोर के अंदर 4 हिंजेस लगे हुए होते हैं, तो यानी कि 2 पेयर ये हो गए, फिर दूसरे पल्ले में भी 4 हिंजेस हो गए, 2 पेयर ही हो गए, और 4 हिंजेस यहाँ लगे होंगे, तो टोटल कुल मिला के 6 पेयर आपके लगे हुए होंगे। तो मेरे ख्याल से नूछ की चम्मच 550 या 500 रुपये के समथिंग के आपके पेयर आएंगे। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप चेंज कराइए और अपने फर्नीचर का बेटर से बेटर लुक पाइए। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग जागरूक हो सकें और अपने फर्नीचर के अंदर एक एडिशनल फीचर ऐड कर सकें, अपने फर्नीचर को खूबसूरत लेवल पे ला सकें। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप जल्दी से ये वाला यूज़ कीजिए। यहाँ कोई मैं इस कब्जे वब्जे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे फर्नीचर टेक चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और आप अगर चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, asim.ft। स्क्रीन पर आप यूज़र नेम देख रहे हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप घर बैठे आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सअप है वहाँ नंबर है, उस पर आप हाई मैसेज करके फर्नीचर से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे इस पर कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सअप वर्किंग है, और चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद।